ओके, टुडे अवर प्रैक्टिकल इज टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील. वी यूज द फ्लाईव्हील टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी सी वन बाय वन थ्रू पीपीटी. ओके, आवर टाइटल इज व्हाट? टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाईव्हील. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फ्लाईव्हील? फ्लाईव्हील इज अ रोटेटिंग मैकेनिकल डिवाइस दैट इज यूज टू स्टोर रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस एनर्जी व्हेन द एनर्जी सोर्स इज डिसकंटिन्यूअस. ओके, दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ फ्लाईव्हील. ओके, नाउ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी ऑल आर नोन इन योर आवर प्रीवियस प्रैक्टिकल वी फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेगुलर एंड इरेगुलर बॉडी. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वॉट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ हाउ टू रेजिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज टू चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी इज इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स रोटेशन. इट डिपेंड्स ऑन हाउ फॉर ईच पार्ट ऑफ द बॉडीज मास इज फ्रॉम इट्स सेंटर. ओके, एंड द फार्मूला इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर. ओके, सो वन बाय वन वी सीन ऑब्जेक्ट इज क्लियर. टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाईव्हील. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द प्रायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल. ओके, व्हाट आर द प्रायर कॉन्सेप्ट? द मॉडिफाइड फ्लाईव्हील विल फर्दर इंप्रूव द एनर्जी डेंसिटी एंड द इफिशियंसी कपल टू अ पल्स ड्यूटी जनरेटर. इट कुड प्रोवाइड अ नियर स्क्वायर पल्स और अदर पल्स. द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इट्स रेट एंड इट्स स्विचिंग ऑल कुड बी कंट्रोल्ड प्रायर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन. द मॉडिफाइड फ्लाईव्हील इज स्ट्रक्चर्ड. ओके, दिस इज द जस्ट प्रायर कॉन्सेप्ट. ओके, नाउ वी सीन द न्यू कॉन्सेप्ट. ओके, व्हाट इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फ्लाईव्हील? अ फ्लाईव्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेशली डिजाइन टू इफिशियंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी. ओके, फ्लाईव्हील रेजिस्ट चेंज टू रोटेशनल स्पीड बाय देयर मोमेंट ऑफ एनर्जिया. द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ फ्लाईव्हील इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रोटेशनल स्पीड. ओके, द वे टू चेंज अ फ्लाईव्हील स्टोर्ड एनर्जी इज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स रोटेशनल स्पीड अप्लाइंग अ टॉर्क. ओके, टॉर्क अलाइंड विद इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री. दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट. व्हाट इज अवर लर्निंग ऑब्जेक्ट इन दिस प्रैक्टिकल? फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट इन दिस एग्जाम यू आर एक्सपेक्टेड टू नो अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट थिंग यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वी नो द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर. ओके, सेकेंड यूज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ फ्लाईव्हील. यूज ऑफ फ्लाईव्हील इन मैकेनिक्स. ओके, वी यूज एंड वी सी द यूज ऑफ दिस फ्लाईव्हील सेकेंड लर्निंग ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड इज यूज ऑफ इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड यूज ऑफ टी इज इक्वल टू आई ए. दैट इज द की क्वेश्चन फॉर यू. ओके, वी सीन द प्रायर कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट. दिस थिंग्स इज क्लियर. नाउ कम टू द एपरेटस रिक्वायर्ड इन दिस प्रैक्टिकल. दिस इज फ्लाईव्हील. ओके, एक्सिस. ओके, सेकेंड थिंग स्टॉप वॉच. ओके, एंड यूज थ्रेड और स्ट्रिंग. ओके, एंड दिस इज वेट. ओके, एंड मीटर स्केल एंड वर्नियर कैलिपर. ओके, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर
0.001 सेंटीमीटर, ओके, यस और नो? हाउ टू फाइंड लिस्ट काउंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिस्ट काउंट? वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके, देन वी गेट 0.01 सेंटीमीटर, ओके. फ्लाईव्हील, मीटर स्केल, स्टॉप वॉच, थ्रेड और स्ट्रिंग, वर्नियर कैलिपर्स, वेट बॉक्स, ओके, डायग्राम क्लियर? थ्योरी पार्ट. नाउ वी यूज द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम एम एन टू जी एच अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन वन अपॉन एन टू ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके. यूनिट इज वेरी सिंपल, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. द यूनिट ऑफ मास इज वॉट? ग्राम, ओके. एंड द डिस्टेंस इज वॉट? आर. एंड द यूनिट ऑफ दिस? सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके. बिकॉज ऑफ आर स्क्वायर, आर इज द यूनिट ऑफ आर इज सेंटीमीटर, बट स्क्वायर देन सेंटीमीटर स्क्वायर. ओवरऑल ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके. वेयर एम इज वॉट? मास. जी इज वॉट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. आर इज वॉट? रेडियस. एंड एन इज नंबर ऑफ रिजोल्यूशन, ओके. हियर वी यूज एन वन एंड एन टू. एन वन इज नंबर ऑफ रोटेशन, ओके. सपोज वी टेक 4, 5, 6, ओके, दिस इज एन वन, ओके. एंड एन टू इज द रोटेशन ऑफ दिस फ्लाईव्हील, ओके. एन वन क्या होगा? नंबर ऑफ, जैसे इसमें आप थ्रेड को 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बार किए, ये क्या हो गया हमारा? एन वन. अब जैसे ये घूमेगा, यहां से छूट जाएगा, छूटने के बाद जब ये घूमना चालू हो जाएगा, तब इसको आप काउंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा? एन टू कहलाएगा. क्लियर? एन वन एंड एन टू क्लियर? फ्रांसिस, सपोज वी यूज दिस स्ट्रिंग 1, 2, 3, 4, ओके. दिस इज एन वन, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स. एन वन इज 4, ओके. एंड एन टू इज वी काउंट नाउ 1, 2, 3, 4, ओके. नंबर ऑफ टर्न्स आर कॉल्ड एन टू, ओके. क्लियर? ओके. अब यहां पर अपन प्रैक्टिकल देखते हैं. इन दिस प्रैक्टिकल टू ऑब्जर्वेशन टेबल. फर्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सिस थ्रू वर्नियर कैलिपर, ओके. दिस इज वेरी इजी, ओके. क्लियर? What we find? Radius of this axis, that is R, okay. Main scale reading plus vernier scale reading into least count is equal to final reading, okay. First observation table is clear, okay. We use this vernier caliper to find the radius of this
x is okay, and second is second observation table. Second observation table. For the radius of XL, okay. First reading is clear. Main scale reading, vernier scale reading, and total scale. Okay. इस तरह से आप पहला reading observation table find out कर लोगे. Second is most important. Serial number, mass, N1, N2, and H. ओके एंड टाइम फॉर जो सेकंड में आपको जो टाइम लगेगा उसको अपन करेंगे. ठीक है, सपोज मास हम लोग 100 में ले रहे हैं, 100, 150, 200 एंड 250. ओके, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, वेट रखते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स करते जाएंगे, उसको छोड़ते जाएंगे, और जितना वो रोटेट करेगा उसको अपन काउंट करेंगे और उसका हम लोग टाइम मेजर करेंगे, है ना. सपोज उसको 5 to 10 रोटेशन होने में कितना टाइम लगा उसको आप रोटेट वो नोट करेंगे किसके स्टॉपवॉच से. क्लियर, एक आध दो रीडिंग निकाल के देखते हैं. फ्रांसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक दिस थ्रेड. ओके, आई एम यूजिंग द वेट 50 ग्राम प्लस 100. ओके, वी पुट हियर, यस, 1, 2, 3 and 4. N1 इज 4. ओके, N1 इज 4. ओके, अब इसे छोड़ देंगे, रोटेशन हो रहा है. वन टू थ्री थ्री ओके एंड तीन उसके व्हील में रोटेशन में कितना टाइम लगा हमको 50 सेकेंड मानकर 14 सेकेंड. क्लियर, नोट डाउन 14 सेकेंड. ओके, 100 माया. अब आप धीरे धीरे करके क्या करेंगे, वेट को बढ़ाते जाएंगे. अगेन नंबर ऑफ रोटेशन N1, 1, 2, 3 and 4. ओके, 4 up 5, 6 भी ले सकते हो. ठीक है, जैसे आप इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे उसमें आपका इसका रोटेशन बढ़ते जाएगा. ठीक है, एक एग्जांपल में देख करते हैं. अभी 4 लिए थे, ठीक है, लेकिन इसको स्टार्टिंग में N1 लिया उसको सेम लेना है सबके लिए. ठीक है, 4 and 5. ठीक है, इसको मैंने छोड़ दिया. काउंट करना ना सब लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, 22 है ना, 22 का सेकंड हमको लगा. इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है, फिर ये पूरे वैल्यू को आप इस फार्मूला में पुट कर देंगे, है ना. नाउ पुट दी ऑल दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला एंड वी गेट आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर, प्रैक्टिकल वेरी इजी. फ्रांसिस, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन. बोथ ऑब्जर्वेशन टेबल इज क्लियर. फर्स्ट वी फाइंड द रेडियस ऑफ एक्सल, सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल
Yes. For n1, n2 and time. Okay. Second observation table, n1, n2 and time. n1 क्या है हमारा? जितने बार आप उसको थ्रेड को घुमाए हो, सपोज 4, 5, 6 ले रहे हो, वो उसका नंबर ऑफ टर्म n1 हो गया. ठीक है. थ्रेड से व्हील से अलग हो जाने के बाद फ्लाई व्हील जब घूम रहा है तो वो क्या है? n2 है. उसका हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? कितने टाइम से वो घूम रहा है. जैसे घूमना चालू किया, आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे. क्लियर? इतना आपको काम करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल पुट करना है और पूरे वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा. ठीक है. जो आएगा मैं YouTube में डिस्प्ले मारूंगा उसको क्रैप करके. ठीक है, आपको रीडिंग सही दिखेगा. नाउ फार्मूला, I इज इक्वल टू एम टू जी एच अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n1 अपॉन n2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. एंड रिजल्ट वी सी द ऑब्जर्वेशन. ओके, ओमेगा 1, ओमेगा 2. ओके, द फार्मूला ऑफ ओमेगा 1 4π n2 अपॉन टी, नंबर ऑफ टर्म्स 4. ओके, सॉरी, वी यूज द फार्मूला I इज इक्वल टू m ब्रैकेट ओपन 2gh अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n1 अपॉन n2. ओके, चार रीडिंग लिए हो तो चारों का सेपरेट निकालने के बाद आप उसको एवरेज कर देंगे. ये देखिए, आप ये एवरेज कर दिए, जो फाइनल वैल्यू आएगा एवरेज I इज इक्वल टू 2.07 इंटू 10 टू पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब हर एक प्रैक्टिकल की तरह इसमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर. ओके, द स्टैंडर्ड वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2.07 इंटू 10 टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द फार्मूला ऑफ परसेंटेज एरर, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100%. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू 2 इंटू 10 टू पावर 5. ओके, माइनस 2.07 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 5. ओके, नाउ परसेंटेज एरर इज 3.5%. ओके, एंड द रिजल्ट इज व्हाट? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ गिवन फ्लाईव्हील अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फाउंड टू बी 2.07 इंटू 10 टू पावर 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देर आर 2 and 4 प्रिकॉशंस. ओके, एक्स्ट्रा केयर मस्ट बी टेकन टू स्टार्ट और स्टॉप द स्टॉप वॉच. सेकेंड, फ्रैक्शन वैल्यू रोटेशन शुड बी अवॉइडेबल बाई द एडजस्टिंग द वर्टिकल हाइट. ओके, थर्ड नंबर, द फ्रिक्शन एट द बियरिंग शुड बी अवॉइडेड. द लूप स्लिप्ड ओवर द पेज शुड बी क्वाइट लूज. ओके, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी लेस देन द हाइट ऑफ द फ्लाईव्हील अबो द ग्राउंड. नेक्स्ट, द स्ट्रिंग शुड बी यूनिफॉर्मली एंड क्लोजली वुड राउंड द एक्सल. देयर मस्ट नॉट बी एनी ओवरलैपिंग. एंड लास्ट, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द एक्सल मस्ट बी होल नंबर, नॉट हाफ. ओके, देयर आर सो मेनी. नाउ एप्लीकेशन, पहले इसको बता देते हैं फिर आप लोग हिंदी में बता रहा हूं. एप्लीकेशन ऑफ दिस फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील आर ऑफ्टन यूज्ड टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस पावर आउटपुट इन द सिस्टम वेयर द एनर्जी सोर्स इज नॉट कंटिन्यूअस. फॉर एग्जांपल, अ फ्लाईव्हील इज यूज्ड टू स्मूथ फास्ट एंगुलर वेलोसिटी फ्लक्चुएशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, सॉफ्ट क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग बॉल. ओके, इन अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन, इन दिस केस अ क्रैंकशाफ्ट फ्लाईव्हील स्टोर एनर्जी व्हेन टॉर्क इज एक्सर्टेड ऑन इट बाय अ फायरिंग पिस्टन. दिस इज द एग्जांपल. ओके, एंड रिटर्न इट टू द पिस्टन टू कंप्रेस अ फ्रेश चार्ज ऑफ एयर एंड
फ्यूल. अनदर एग्जाम्पल इज द फ्रिक्शन मोटर विच पावर्स डिवाइस सच एज टॉय कार इन दिस एग्जाम्पल इज सफिशियंट. ओके, हिंदी में आप लोग जैसे वो गन्ना मशीन वगैरह देखे हो ना, ठीक है, फ्लाई व्हील का, तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सिंपल समझना चाहते हैं तो क्या होता है, जैसे एक कार है और एक हमारा ट्रक है, ठीक है, तो जिसमें मास ज़्यादा होगा उसमें हमको रोकने के लिए उतनी एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना भाई. एक साइड से कार आ रहा है और एक साइड से ट्रक आ रहा है. अब आप मुझे बताइए किसमें ज़्यादा हमको एनर्जी लगेगा, जिसमें ज़्यादा मास है, ट्रक में, है ना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है. वो किस पर डिपेंड किया, मास पे. क्यों, मास ज़्यादा है तो हमको उसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगा उसको रोकने के लिए. अब इसका सेम है, आप फ्लाई व्हील में आप देखेंगे, फ्लाई व्हील के आउटर में क्या होता है हमारा, फ्लाई व्हील को कैसे समझेंगे, जैसे आप साइकिल वगैरह के पहिया भी समझ सकते हो, ठीक है, तो वो गन्ने के मशीन में कैसे होता है, गन्ने के मशीन में मशीन चलते रहता है ना, लेकिन आप जैसे ही गन्ने के डालो तो वो क्या करता है, रुक जाता है थोड़ा से, ठीक है, लेकिन उसके पीछे से और छोटा सा और बड़ा सा वो लगा रहता है व्हील, है ना, तो उसको क्या करता है, आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है. तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो इसका, ठीक है, चलो क्लोज करें, ठीक, थैंक यू क्लास. डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील, ठीक है, जड़त्व क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, तो हमें इस एक्सल का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ, ठीक है, इसका फ्लाई व्हील का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वह स्थिर रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है तो वह मूविंग रहेगा. ओवरऑल जड़त्व का मतलब है, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, कि वो अपने से कुछ शेप चेंज करने में असमर्थ रहता है, वो चेंज नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है, बहुत इसको जानते हो तुम लोग, ठीक है. तो हमको इस प्रैक्टिकल में करना क्या है, क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगा, ये हो गया हमारा फ्लाई व्हील, जरूरत पड़ेगा हमको स्टॉप वॉच, ठीक है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है, मीटर स्केल, ठीक, और पड़ेगा हमको थ्रेड और वेट बॉक्स, ये हमारा थ्रेड है और ये वेट बॉक्स. इस प्रैक्टिकल को करना है कैसे, हमको दो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है. पहले ऑब्जर्वेशन टेबल में हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है, किसका, एक्सल का, ठीक है, एक्सल का क्या फाइंड आउट करेंगे, रेडियस, ठीक है. रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यूज करोगे किसका, वर्नियर कैलिपर का, ठीक है, ऐसे लगाओगे, ठीक है, इसको सबको करने आता है, है ना, इसमें दो तीन रीडिंग निकालने आना चाहिए, मेन स्केल की रीडिंग, मतलब इसमें का मेन स्केल रीडिंग इंटू सॉरी मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होगा, वर्नियर स्केल की रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग. इतना क्लियर हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन टेबल क्लियर हुआ. सेकेंड ऑब्जर्वेशन टेबल हम फाइंड आउट करेंगे एन वन एन टू और टाइम टी के लिए, एन वन एन टू और टाइम टी के लिए. तो ये एन वन क्या होता है, पहले इस चीज को समझो. एन वन जैसे ये एक्सेल में मैंने लगाया इसको, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने बार इतने धागे को घुमाऊंगा, जितना टर्न्स लूंगा, ठीक है, वो क्या है, एन वन है. जैसे मान के चलो इसमें मैं ले रहा हूं फोर, रुक जाओ इसमें कैसे नंबर ऑफ टर्न्स, वन टू थ्री फोर और फाइव ले लो, चलो तो ये हो गया हमारा क्या, एन वन, वो क्या हो गया हमारा एन वन, ठीक. अब N2 क्या होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा ये धागा और ये वेट बॉक्स इससे अलग होगा, अब ये घूमना चालू कर देगा, ठीक है, और वो जितना घूमेगा वो N2 कहलाएगा, और उसी समय मेरे को जैसे ये थ्रेड इस एक्सल से अलग होगा आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देना है,
स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो उसका टाइम हम लोग नोट कर लेंगे। एकदम क्लियर है? अभी क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैंने ये छोड़ दिया। ठीक, देखते हैं जैसे ये थ्रेड इससे अलग होगा मैं स्टॉप वॉच ऑन कर दूंगा, आप लोग इसको काउंट कीजिए, इधर मैं टाइम भी देखेंगे। 1 2 ये ऑन कर दिया, 2 3 4 5 6। ठीक, तो ये ठीक है 15 सेकेंड। एन टू कितना आया हमारा? 5। कितने टाइम्स हुआ? 6। एन टू हमारा क्या हो गया? 6। ठीक है, अभी हमारा क्या निकल गया? टाइम। ठीक है, इसको आप ऑब्जर्वेशन टेबल में रखिए, आप फार्मूला में पुट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एम की वैल्यू पता है कितना लिए थे? 150 ग्राम, 3 है ना, 3 इसमें। ठीक है, जी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू इसका हाइट है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई, है ना, 4 पाई एन टू अपॉन टी। ओके, आर आपका एक्सेल का रेडियस, एन वन आपको पता है नंबर आप 4 या 5 टाइम किए थे, और एन टू 6 जो आया है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये वाला वेरी इजी। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलो, थैंक यू।